तृतीय यूनिट पर्सनालिटी व्यक्तित्व किसे कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ये बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है और व्यक्ति के व्यक्तित्व एक पहचान रखता है, उसकी पहचान बनाता है। व्यक्तित्व की व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी का ये शब्द है और यूनानी भाषा पर्सनों से बना है जिसका अर्थ है मास्क या नकाब। नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करना। हम देखेंगे कि व्यक्ति तो राकेश कुमार है और वहां जाकर के वो राम का रोल कर रहा है, तो ये इस प्रकार से एक मुकोटा पहना, नकाब पहना, उसने मुकोटा पहन करके मंच पर, राकेश कुमार था और मुकोटा पहन करके मंच पर जो अभिनय कर रहा है वो राम का कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के मुकोटे पहन करके अपनी भूमिकाओं का निर्वहन जो करते हैं इसे ही व्यक्तित्व कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति में उस प्रकार की उसके व्यक्तित्व को देखा जाता है कि इसके अंतर्गत ये इसके गुण जो है इस व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी संस्थान में, किसी विद्यालय में वह शिक्षक के रूप में है। वहाँ वो घर पर आकर के पति के रूप में है, पिता के रूप में है, मामा के रूप में है। कहीं दूसरी जगह वो अपने नाना नानी के जाता है, वहां जाकर के वो भांजे के रूप में। व्यक्ति तो एक है लेकिन उस व्यक्ति ने अनेक प्रकार के मुकोटे जो है उसके साथ में होते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की उसकी भूमिकाएं होती हैं। हर स्थान पर उसका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। हम देखेंगे कि एक शिक्षक के रूप में उसकी व्यवहार जो है प्रेमपूर्ण रहता है, पति के रूप में उसका व्यवहार कठोर रहता है, पिता के रूप में उसका व्यवहार सरल रहता है, और जहाँ अपने भांजे के रूप में उसका व्यवहार जो है अच्छा रहता है। तो हम देखेंगे कि उसका सभी वातावरण में, एक वातावरण को छोड़कर के सभी वातावरण में उसका व्यवहार अच्छा रहता है। और हम जब अलग अलग इन वातावरण में देखते हैं कि उस मुखोटे की भूमिका क्या रहती है, उस व्यक्ति की भूमिका क्या रहती है, उसी से उसका व्यक्तित्व बनता है। वाटसन कहता है हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है हमारा। यदि हमारा चलने का ढंग बेढंग है, हम यदि किसी को नमस्ते, एक बालक हाथ जोड़ करके नमस्ते करता है, एक बालक नीचे हाथ रख करके नमस्ते करता है, एक बालक पैर छू करके नमस्ते करता है, तीनों बालकों के व्यवहार में अंतर देखेंगे हम। तो इसलिए हम कहते हैं जो कुछ करता है वही व्यक्तित्व है। हर चीज के अंदर उसका अलग अलग रूप में व्यक्तित्व बनता है। जिस बालक में विनम्रता है उस बालक का व्यक्तित्व समाज में श्रेष्ठ माना जाएगा, जो बालक अपने व्यवहार में श्रेष्ठ नहीं है उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में कहा था और सबसे श्रेष्ठ परिभाषा भी मानी गई है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ऑलपोर्ट की इस परिभाषा में, क्योंकि समाज का प्रभाव यथेष्ट रूप में नहीं दिखाई देने के कारण इसकी आलोचना की गई थी। रैक्स रॉक कहता है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है, कि समाज जिन गुणों को मान्यता प्रदान करता है और जिन गुणों को अमान्य प्रदान करता है उसी के अनुसार हम यदि संतुलन बना करके यदि अपना विकास करते हैं तो व्यक्तित्व कहलाता है। हर समाज का अलग अलग परिप्रेक्ष्य होता है। पाश्चात्य समाज के गुण जो भारतीय समाज में मान्य है वो वहाँ पर अमान्य हो सकते हैं, और भारतीय समाज में जो गुण मान्य है वो पाश्चात्य समाज में अमान्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि समाज, अलग अलग समाज के द्वारा जो जिन गुणों को माना गया है और उस गुणों के अनुसार व्यक्ति अपना विकास करता है उसी के हिसाब से उसका व्यक्तित्व माना जाता है। वारेट व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था से होता है। डेसिल कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। मन व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व के
विशेषताओं को अभी हम देखेंगे। व्यक्तित्व मनोदैहिक संस्थानों पर आधारित है कि व्यक्तित्व एक चीज से नहीं बनता है। हम व्यक्ति जो है दो चीजों से है, एक शरीर से है, एक मन से है। दोनों मिलकर के ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, दोनों से ही व्यक्तित्व बनता है। हम शारीरिक रूप से बहुत सौंदर्य लगते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम ठीक नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए व्यक्तित्व मनो और दैहिक संस्थानों पर आधारित है। गतिशीलता, व्यक्तित्व में गतिशीलता पाई जाती है। एक मृत ऐसा मरा हुआ व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर गतिशीलता नहीं होती है, बाकी हम देखेंगे कि व्यक्ति में गतिशीलता पाई जाती है। जो बालक शैशव अवस्था में था, जिस प्रकार से वो चलता था, वो बाल अवस्था में वैसा नहीं चलता है। किशोर अवस्था में जाकर के और चेंज आ जाता है, और प्रौढ़ अवस्था में और चेंज आ जाता है, वृद्ध अवस्था में उसकी शारीरिक स्थिति दूसरी हो जाती है, क्योंकि ये गतिशीलता है। गतिशील नहीं करेंगे तो व्यक्ति का विकास रुक जाएगा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति का ही विकास नहीं होता है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पद से पहले वो ईमानदार है, पद पर पहुंचने के बाद में वो रिश्वत लेने लग जाता है, तो ये क्या हुआ कि व्यक्ति में गतिशीलता आई। और गतिशीलता आने का तात्पर्य यह है कि पहले ईमानदार का व्यक्तित्व माना जाता था कि उसका व्यक्तित्व बहुत ईमानदार है, लेकिन पद पर जाने के बाद वो बेईमान हो गया। इस प्रकार से हम कहेंगे कि व्यक्तित्व जो है एक तरीके से गतिशील है, संगठन है। व्यक्तित्व एक तत्व से मिलकर के नहीं है। हम शरीर यदि कहें तो शरीर पूरे हाथ पैर नाक मुंह सब मिलकर के शरीर कहलाते हैं। हम अकेले हाथ को शरीर कहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संगठन रूप में ही। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, ये सभी मिलकर के ही जो है व्यक्तित्व कहलाते हैं। अकेला पार्ट कभी भी व्यक्तित्व नहीं कहलाता है। वायुवान के अनेक पुर्जे होते हैं, और उन पुर्जों में से यदि एक पुर्जा नहीं होता है तो वायुवान चल नहीं सकता है। उसी प्रकार से ये समस्त पुर्जे मिलकर के ही वायुवान कहलाते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताओं में वातावरण है कि व्यक्तित्व जो है जैसा वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यदि वातावरण गंदा होगा तो व्यक्तित्व भी जो है अच्छा नहीं बनेगा, और यदि वातावरण अच्छा माहौल हुआ, अच्छा वातावरण हुआ, तो व्यक्तित्व का निर्माण भी अच्छा होगा। अद्वितीय अनोखापन, अर्थात व्यक्तित्व एक अनोखापन है। शिक्षक सभी छात्रों को एक जैसा ज्ञान देता है, लेकिन किसी का अच्छा विकास हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व एक अनोखापन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति के द्वारा मिल रही हैं, लेकिन कोई उसमें से गलत रास्ते को चयन कर लेता है, कोई सही रास्ते को चयन कर लेता है। इसलिए व्यक्तित्व अद्वितीय तथा अनोखा है। सामंजस्य, व्यक्तित्व में सामंजस्य करने की क्षमता होती है, अर्थात वो अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करता है। सामंजस्य नहीं करता है तो उसका व्यक्तित्व उस प्रकार से नहीं बन पाता है। आत्मचेतना, व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तित्व उन्हीं में होता है जिनमें आत्मचेतना होती है। पशु का व्यक्तित्व नहीं होता है। हम पशु के विकास की बात करें तो वो व्यक्तित्व उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें आत्मचेतना नहीं है। सामाजिकता, सामाजिकता जहाँ पर होती है वहीं पर ही व्यक्तित्व होता है। बिना सामाजिकता के बालक का विकास नहीं हो सकता है, ना ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है पूर्णतः असहाय होता है, उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, और सामाजिकता के माध्यम से ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, व्यक्तित्व में निर्देशित लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, और जिस लक्ष्य निर्देशित लक्ष्य में जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यक्तित्व वह है, मैं सत्य के लिए मैंने दृढ़ संकल्प ले रखा है कि मैं सत्य बोलूंगा, तो तभी जाकर के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने सत्य बोल दिया, थोड़ी देर बाद में जाकर के झूठ बोल दिया, और उसके बाद में जाकर के हम जो है वांछनाएं आत्मवंचना कर रहे हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व में दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, कुछ भी हो जाए हम उस चीज, जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा के लिए ख्याति प्राप्त थे। व्यक्तित्व के विशेषक, व्यक्तित्व के विशेषक शारीरिक विशेषक उदाहरण के रूप में देखेंगे पहलवान, स्त्री सौंदर्य जो है ये शारीरिक विशेषता के कारण इनकी पहचान अलग है। बौद्धिक विकास में बीरबल, बीरबल
इसका हम देखेंगे कि बीरबल का नाम आते हम उनका व्यक्तित्व जो है बौद्धिक विकास के कारण अलग ही पहचान रखता था। महात्मा गांधी, बर्नार्ड शॉ, विनोबा भावे सामाजिक विशेषज्ञ के कारण उनकी अलग पहचान थी। संवेगात्मक विशेषक में रानी लक्ष्मीबाई, कंस, रावण, दुर्योधन। नैतिक विशेषक में हम देखेंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, हनुमान। चारित्रिक विशेषक में हम देखेंगे कि भगवान राम, सीता। तो इनके चारित्रिक, क्योंकि व्यक्ति में एक गुण प्रमुख होता है जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। अब व्यक्तित्व के हम सिद्धांत और उसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्रेशमर ने 1925 ईस्वी में जो है अपना शारीरिक संरचना का सिद्धांत दिया और तीन प्रकार से जो है उन्होंने बांटे। व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं, पिकनिकी, एस्थेनिक और एथलेटिक। पिकनिकी व्यक्ति मोटे व्यक्ति जिनकी शारीरिक संरचना मोटी होती है, एस्थेनिक व्यक्ति जो पतले होते हैं और एथलेटिक व्यक्ति जो मध्यकाय के होते हैं। चेल्डन 1924 ईस्वी में शारीरिक गुणों के आधार पर बांटा। उन्होंने कहा एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और मेसोमार्फिक। एंडोमार्फिक अर्थात मोटे व्यक्ति और एक्टोमार्फिक पतले व्यक्ति और मेसोमार्फिक मध्यकाय के व्यक्ति। हम ये देखेंगे कि एंडोमार्फिक के हिसाब से व्यक्तित्व में जैसे मोटे व्यक्तियों में वो भोजन प्रिय होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, शिष्टाचार प्रिय होते हैं, मिलनसार होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, सहिष्णुता होती है, जनप्रिय होते हैं, अनुमोदन प्रिय होते हैं, समन्वयवादी होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। एक्टोमॉर्फिक जो व्यक्ति हैं वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, शीघ्र प्रतिक्रिया करने वाले होते हैं, सीमित सामाजिक संबंध होते हैं, संवेदनशील होते हैं, शारीरिक क्रियाओं में फुर्तीलापन होता है, संकोची होते हैं, उच्च मानसिकता में सक्रियता होते हैं। एथलेटिक जो मेसोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक या मेसोमॉर्फिक, उनकी शरीर की रचना सुडोल होती है, कठोर हृदय होता है, कठोर परिश्रमी होते हैं, हसमुख होते हैं, प्रवृत्ति की इच्छा होती है, निडर व साहसी होते हैं और कार्य प्रदर्शन करने वाले होते हैं, उच्च व स्पष्ट स्वर होता है, ओजस्वी होता है, पीड़ा के प्रति वो उदासीन रहते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक गुणों के आधार पर सेल्डन ने बांटा था। हिप्पोक्रेटस 400 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन जो है माना जाता है शारीरिक आधार पर, और इन्होंने स्वभाव के आधार पर ये व्यक्तित्व मंद व्यक्तित्व वाले होते हैं, निराशावादी होते हैं, आशावान होते हैं और क्रोधी होते हैं। हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व या प्रकृति विश्लेषणात्मक रूप में अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बाह्यमुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी तीन प्रकार के होते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक कार्ल जी यंग मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया था, अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर मितभाषी होते हैं, अंतर्मुखी आत्म केंद्रित होते हैं, शांत व गंभीर होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, लज्जाशील होते हैं, आत्म प्रदर्शन का अभाव होता है, सीमित मित्रता होती है, प्रतिक्रियावादी होते हैं, रुचियां व्यक्तिगत होती हैं, नवीन वातावरण में समायोजन का अभाव होता है, अपने बारे में सोचते हैं, लोकप्रिय नहीं होते हैं, निराशावादी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुखी रहते हैं। बाह्यमुखी व्यक्ति अधिक वाचाल होते हैं, सामाजिक में मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, चिंतन मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, क्रिया प्रधान होते हैं, आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, मित्रता अधिक होती है, रूढ़िवादी होते हैं, रुचियों में विस्तार होता है, समायोजन की भावना होती है बहिर्मुखी व्यक्तियों में, अपने बारे में कम सोचते हैं, लोकप्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, शीघ्र नहीं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उभयमुखी जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें अंतर्मुखी बाह्यमुखी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। स्प्रिंजर ने समाजशास्त्रीय सामाजिक व्यवहार के आधार पर तीन प्रकार से बांटा, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक। इन्होंने छह वर्गों में समाजशास्त्रीय आधार पर सामाजिक व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व को बांटा। और जैसे सैद्धांतिक है जिसको सिद्धांत प्रिय लगते हैं, आर्थिक है जो पैसे के लिए जो है बहुत काफी जो है कंजूसी करता है तो उसको अर्थ प्रिय होता है, सामाजिकता जो सामाजिकता जिसके लिए प्रिय होती है, राजनीति जिसके लिए राजनीति प्रिय होती है, धार्मिकता
जो धार्मिक को जो है उसके लिए प्रिय होता है, कलात्मकता जिसको कला प्रिय होता है। तो इस प्रकार से छह प्रकार से बांटा। अल्पोट ने सील गुण के आधार पर तीन रूपों में बांटा, प्रमुख व्यक्तित्व केंद्रीय सील गुण, और इधर से हम देखेंगे तीसरा गौण सील गुण। प्रमुख व्यक्तित्व सील गुण वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रमुख रूप में जहाँ कहीं भी वो अपनी बात कहता है तो वह गुण उसका हर जगह पर प्रकट होता है। जैसे महात्मा गांधी थे तो अपने विचारों में उनके में सत्तर अहिंसा आती थी कहीं पर भी जाकर। केंद्रीय सील गुण में कुछ केंद्र के रूप में सील गुण होते हैं और उसमें हम देखेंगे कि 5 से 10 के बीच में ये केंद्रीय सील गुण होते हैं और व्यक्ति के केंद्र के रूप में रहते हैं, जैसे सामुदायिकता, सामाजिकता, इस प्रकार के केंद्रीय सील गुण होते हैं। कुछ गौण सील गुण होते हैं। गौण सील गुण का तात्पर्य है कि जो इस प्रकार के गुण होते हैं जैसे रहन सहन, खान पीन, विचार, तो ये गौण सील गुण होते हैं। जो है पाश्चात्य में हम ये देखेंगे, कैटल जो है उन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर सील गुणों को बांटा था और इन्होंने सील गुणों को जो कारक विश्लेषण में एक सतही सील गुण और एक मूल सील गुण। सतही सील गुण का तात्पर्य है कि जो ऊपरी सतह पर होते हैं उन गुणों को जो है सतही सील गुण के रूप में कहा, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा उसके द्वारा अभिव्यक्ति की जा रहे हैं, व्यवहार से परिलक्षित होते हैं, यथा प्रसन्नता, सत्यनिष्ठा। ये कुछ ऐसे सील गुण हैं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में अंतःक्रिया के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मूल या स्रोत सील गुण ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित होते हैं। इनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, इनकी संख्या सतही गुणों से कम होती है। मूल सील गुणों की अभिव्यक्ति सतही गुणों के रूप में होती है, यथा मित्रता एक मूल गुण है जिसकी अभिव्यक्ति हास, परिहास, निस्वार्थता, सहयोगीपन एवं सामुदायिकता आदि सतही सील गुणों के रूप में होती है। सिगमंड फ्राइड ने 1856 ईस्वी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और उन्होंने व्यक्तित्व को तीन, ईड, ईगो और सुपर ईगो। व्यक्तित्व को मनोविश्लेषण में उन्होंने मन को दो पक्ष बताए थे, एक स्थलाकृति पक्ष जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। एक गत्यात्मक रूप में उन्होंने कहा ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड अर्थात इदम, ईगो अहम और सुपर ईगो। ईड सुखवादी दमित इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं जहां जन्म मूल प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की जो है ईड के अंदर, और उन मूल प्रवृत्तियों से वो व्यक्ति जो उसके सुख चाहता है अधिकतर जो है। ईगो एक पुलिस की तरह काम करता है कि उसकी सुख वाली जो चीजें हैं वो गलत भी होती है, उनको पुलिस की तरह वो रोक देता है। उसको पता है आगे जाकर के जो है उसको वहां रोक करके कि ये गलत काम यदि करोगे तो इस प्रकार से होगा। और सुपर ईगो एक नैतिक अहम है, वो बताता है कि यदि इस प्रकार के गलत काम किए तो आपको ये सजा मिल सकती है। तो वो अपने परिवेश और ये सारी चीजों को, स्थितियों को बताता है। नैतिक व विचारशीलता के पक्ष को रखता है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने भी तीन प्रकार से बांटा। भारतीय दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि सांख्य व गीता ने गुणों के आधार पर बांटा। सतोगुणी व्यक्ति देवत्व के रूप में उनका व्यक्तित्व माना जाता है, रजोगुणी व्यक्तियों का मानव के रूप में, और तमोगुणी व्यक्तियों का राक्षस के रूप में माना जाता है। आयुर्वेद के आधार पर हम देखेंगे वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान के रूप में व्यक्तित्व को माना है। इस प्रकार से हमने व्यक्तित्व के इन प्रकारों में एरिक इरिक्सन का भी व्यक्तित्व का एक मनोसामाजिक सिद्धांत है, जिन्होंने शैशव अवस्था अर्थात विश्वास और अविश्वास जो है उसके अंदर, दूसरा प्रारंभिक बाल अवस्था अर्थात स्वतंत्रता तथा लज्जाशीलता को 2 से 3 वर्ष में जो है मानी है रक्षण ने। व्यक्तित्व का ये मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 अवस्थाओं को इन्होंने बताया है। तीसरी खेल अवस्था है, पहल शक्ति और दोस्तता जो 5 से 6 वर्ष के रूप में होती है। चौथी स्कूल अवस्था, परिश्रम और हीनता 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। और पांचवी किशोर अवस्था, अहम पहचान और भूमिका संभ्रांति 12 से 19 वर्ष तक के बीच में होती है। छठी तरुण अवस्था, घनिष्ठ और विलगन होता है 20 से 30 वर्ष जो है। मध्य वयस्क अवस्था 30 से 65 वर्ष की अवस्था में जननात्मक और स्थिरता होती है। परिपक्वता, अहम संपूर्णता और निराशा 65 वर्ष से मृत्यु तक की जो है ये अवस्था होती है। अब हम व्यक्तित्व के
मापन की विधियों को देखेंगे, तीन प्रकार से है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि में प्रश्नावली विधि, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के गुणों को मापा जा सकता है। साक्षात्कार विधि, जहाँ साक्षात्कार के द्वारा हम व्यक्ति के उन चीजों को देखते हैं कि उसमें व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण हैं। केस स्टडी विधि के माध्यम से हम उस बच्चे के पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, पड़ोस, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं कि वो व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण और अवगुण आए हैं, किस प्रकार से आए हैं। आत्मकथा के माध्यम से हम व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और अवस्था के हिसाब से जो है उनके गुणों को देखते हैं कि किस प्रकार से उसके विकास में कौन से गुण कहाँ पर विकसित हुए थे। वस्तुनिष्ठ विधि में निरीक्षण विधि, हम निरीक्षण करके व्यक्तित्व के गुणों को देखते हैं कि कौन कौन से गुण उसके अंदर हैं। और मानदंड या निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी के आधार से हम देखते हैं पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत, इस प्रकार से हमने स्केल बनाई, उनमें से हम निर्धारण करते हैं कि उसके प्रति व्यक्ति का कहां पर क्या है। परिस्थिति परीक्षण, परिस्थितियों के आधार पर उनका हम परीक्षण करके देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं उनको पैसा दिया गया था और बाद में जाकर के उन बच्चों की ईमानदारी को देखा गया कि आप इन पैसों को ला करके डालिए वापस, तो देखा गया था कि उनमें से जो बच्चे बेईमान थे उन्होंने अब उन पैसों में से कुछ को रख लिया। तो परिस्थिति निरीक्षण के आधार पर भी लास्ट है प्रक्षेपी विधि जो है तीसरी, जिसका मतलब है फेंकना। जिस प्रकार से फिल्म में जो है व्यक्ति वहां पर पर्दे पर सामग्री को फेंकता है और जो चीजें वहां पर्दे पर आती हैं उनमें से जो है उसके व्यक्तित्व को देखा जाता है। टीएटी मुर्रे मार्गन ने 1985 में दिया और टीएटी के अंदर 30 चित्र थे, 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के और 10 दोनों के थे। तो इस प्रकार से उसके माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक चीजों को जानने के लिए, अचेतन की चीजों को जो है जानने के लिए इस प्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जाता है। सीएटी बालकों पर, 3 से 11 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया जाता है, जिसके लियोपोल्ड बेलेक जो है उन्होंने 10 जानवरों पर प्रयोग, बालकों से कहानी लिखाई जाती है, उसके आधार पर देखा जाता है कि बालक किस प्रकार के उसके अंदर विचार हैं, व्यवहार हैं, गुण हैं, उनको देखा जाता है। रोशो का शाही धब्बा परीक्षण, जिसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले होते हैं, 2 काले वे लाल होते हैं और 3 रंग बिरंगे होते हैं। ये हरमन रोशो ने जो है इस सिद्धांत का दिया और देखते हैं कि धब्बे पर किसी पर प्रतिक्रिया प्राणी करता है उसी हिसाब से उसका जो है व्यक्तित्व करा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके जो है, वाक्य पूर्ति करके जो है उसके आधार पर, जैसे मैं अपनी पत्नी से आगे दे दिया, अब वो क्या लिखता, मैं अपनी पत्नी से द्वेष करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति दी जाती है। मेरी इच्छा है कि अब आगे क्या है, तो इस प्रकार से व्यक्ति लिखता है, उसके आधार पर हम देखते हैं। साहचर्य विधि, इसमें शब्दों के साहचर्य को जो है देखा जाता है। इस प्रकार से मापन विधि जो है व्यक्ति के गुणों और लक्षणों को मापने की विधि है। धन्यवाद।